गाइस आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ अपना फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट। बट इसमें ना यूट्यूबर्स ना मेरे को चैलेंज देने वाले, और उन चैलेंज को मेरे को करना पड़ेगा खुद से, और काफ़ी मुश्किल मुश्किल चैलेंज है। बट चलो गाइस यार आज तो मैं करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो चलो भाई हम लोग चलते हैं सीधा चैलेंज को कम्प्लीट करने, और देखते हैं पहला चैलेंज कौन दिया है और क्या है। गाइस पहला चैलेंज हम लोग को दिए हैं गेमर फ्लीट भाई, जो कि अपने अंशु बिस्ट भाई हैं, जो कि भाई माइनक्राफ्ट के किंग कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो भाई। उन्होंने मेरे को कहा है कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुमको वाटर बकेट चैलेंज करना है। तो चलो गाइस एक बार उसको कर देते हैं। तुम्हारा भाई आ चुका है ऊपर। अरे भाई मैं यहाँ से आप लोग को ना एक बार गिर के दिखा देता हूँ। देखो भैया यहाँ से तो मरना कन्फर्म है भाई, अगर गिरूंगा तो मर जाऊँगा सीधा। अब करते हैं गाइस अब वाटर बकेट चैलेंज, ठीक है। अब गाइस देखना कोशिश करेंगे पहली बार में हो जाए, और दो बार करने की कोशिश करूँगा। चलो ये पहली बार तो गाइस देखो पहली बार तो मेरा आराम से हो गया है। अब सेकंड ट्राई करके देखते हैं भाई सेकंड ट्राई में हम लोग पहुँच पाते हैं आराम से कि नहीं। लेट्स गो 3 2 1। ओके 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 वे, अरे यार थोड़ा ना मैं लैंड में थोड़ा अटक गया था। चलो कोई बात नहीं यार अब तो पक्का हो जाएगा भाई। लेट्स गो बॉयज 3 2 1 लेट्स गो। ओके ये देखो भाई तुम्हारे भाई ने ये वाला चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। अंशु बिस्ट वाले चैलेंज को तुम्हारे भाई ने आराम से कंप्लीट कर दिया है। गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट चैलेंज कौन सा है भाई तुम्हारे भाई के लिए। गाइस सेकंड चैलेंज आता है स्मार्टी भाई ने दिया मेरे को। ये भी काफ़ी खतरनाक प्लेयर है और माइनक्राफ्ट के मतलब किंग कह सकते हो भाई इनको। और भाई इन्होंने मेरे को चैलेंज दिया कि माइनक्राफ्ट के नज़र में जाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आर्मर को फुल डिस्ट्रॉय करवाना है बिना मरे हुए, और भाई सारे टूल्स को ना डिस्ट्रॉय करने हैं वो भी पूरे नदर में। तो चलो गाइस नदर में चलते हैं भैया, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। वैसे काफ़ी खतरनाक सा चैलेंज है बट हाँ चलो करके कोशिश करते हैं कि हम लोग कर लें। बट गाइस मेरे को जितना सिंपल लग रहा है ना ये है नहीं, क्योंकि गाइस मेरे पास जो फूड की क्वांटिटी है ना, मतलब फूड की क्वांटिटी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नदर में ना अगर कोई बंदा मारेगा ना भैया सीधा आधी आधी एचपी मतलब खत्म, बहुत तेज तेज लाइफ जाती है। अभी देखना अब गाइस देखते हैं कि हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। चलो ओके तो मैं फिलहाल तो एकदम मस्त तरीके से आ गया हूँ। चलो गाइस पहले मैं सोच रहा हूँ भाई शॉर्ट को तोड़ा जाए, क्या तोड़ा जाए भाई, सब कुछ मेरे को तोड़ना है भाई, पूरे आर्मर को भी डिस्ट्रॉय करना है। तो चलो भैया पहले हम लोग शॉर्ट्स को ही तोड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा एचपी इसमें शॉर्ट ही की होगी भाई, तो ऐसे तो टूटेगी भी नहीं। हाँ ये भी सही है कोई बात नहीं। ओके यार कोई मिल भी तो नहीं रहा है। ओके वहाँ पे बंदे हैं भाई, चलो छोटू लोग को मारते हैं थोड़ा बहुत। चल ना छोटू इधर आइए उधर। ओ ओ ओ भाई देख रहे कितनी तेज लाइफ जा रही है भाई। गाइस मैं ऑलमोस्ट ख़त्म एचपी में हूँ और बंदे आ रखे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ भाई। अब मर जा भाई क्यों कर रहे हो। ले ओ भाई मेरे को पता था ये चैलेंज ना आसान नहीं होने वाला। चलो गाइस नेक्स्ट ट्राई हो चुका है और आप लोग इन्जॉय करो फुल। गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा खेला था, और मतलब एकदम मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ब्रोक कर भी दिया था मैंने। बट गाइस ये गलती से मैं यहाँ पे मर जाता हूँ, और भाई अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं सोचा कि भाई चैलेंज को स्किप करते हैं और छोड़ देता हूँ, लेकिन गाइस मैं हार नहीं माना, मैं वापस आ गया। और गाइस इस बारी मैंने एकदम खतरनाक तरीके से खेला, और बट हाँ वो अलग बात है मैंने एंचेंटेड गोल्डन एप्पल की हेल्प ली है यार, सॉरी यार। बट हाँ यार मैंने एक चैलेंज कम्प्लीट किया है ना भाई। बाकी तो देखो गाइस सारे टूल्स को मैंने तोड़वा दिए हैं, और बस आर्मर भी ऑलमोस्ट टूटने वाला है। हेलमेट टूट गया बहुत सही भाई, जल्दी से सब कुछ टूट गया भाई। ये चैलेंज करने में ना गाइस झूठ नहीं बोलूँगा, ये कम से कम चौथी या पांचवी ट्राई कर रहा हूँ, और 2 घंटे से ऊपर की बन चुकी है वीडियो। बट हाँ इसको मैं एडिट कर दूँगा। ओके गाइस दो चीज़ तो टूट चुकी है अपनी, अब देखते हैं भाई ये अपना वेस्ट और कब तक टूटता है भाई। जल्दी टूट गया भाई, कितना टाइम लगेगा यार इसको भी तोड़ने में, वहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। बट लो भाई एक और चीज़ टूट गई, अब बस ख़त्म खत्म खत्म। ये निकलो निकलो भैया यहाँ से, भगलो भैया भगलो, कहाँ गए नेदर पोर्टल उधर है भाई भाग लो। एक तो ऐसा खेलना है वैसे तो मेरे को खेलना भी नहीं आता, बट चलो गाइस जल्दी से पहुँचते हैं हम लोग अपने नॉर्मल वर्ल्ड में, और देखते हैं जो थर्ड चैलेंज है ना वो किसका है और कौन सा है। गाइस जो थर्ड चैलेंज है वो मेरे को दिए हैं उज्ज्वल भाई ने, जो कि टेक्नो गेमर आप लोग जानते ही होंगे, जो कि भाई माइनक्राफ्ट के क्या ही तो बोलूँ मैं खतरनाक प्लेयर हैं। और इन्होंने बोला है कि पिंक शीप को ढूंढो। भैया मैं तो भैया थोड़ा ना हिल गया भाई जब ये सोचा, मतलब मैं सुन लिया ना जैसे ये कि भैया पिंक शिप को ढूंढो, मैं तो सोचा भैया चलो मैं अपने आप को आगे लगा देता हूँ, मैं ये पूरे वर्ल्ड को जला देता हूँ, क्योंकि भाई पिंक शिप की मिलने की भाई चांसेस ना इतनी रेयर है।
बट गाइज यार तुम्हारे भाई ने ना किसी तरह करके कोशिश करके 10-15 बार वर्ल्ड चेंज करके इधर उधर घूम घाम के, मतलब कि सोच लो आप लोग यार, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वीडियो कितनी लंबी हो चुकी होगी, कम से कम 5-6 घंटे। और ये इस वीडियो को मैं बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, इस वीडियो को कम से कम मैंने 8 से 9 दिन शूट किया है और आखिरी 9वां दिन में मैंने इसको एडिट किया है और 10वें दिन में मैं डालूँगा। तो सोच लो कितना टाइम लग गया होगा भाई, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। बट गाइस यार तुम्हारे भाई को फाइनली पिंक शीप मिल जाती है। एक मिनट भाई, ये सफ़ेद शीप है। हाँ मैं वो समझ रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो भैया कहाँ गई पिंक शीप। हाँ वो रही गाइस, ये रही अपनी पिंक शीप। और इसको ढूंढने वो मैं मार ना दूँ यार इसको गलती से। देखो पिंक शीप को ढूंढने में ना मेरी जो हालत ख़राब हुई है आप लोग को तो पता होगा भाई, बाकी सब चैलेंज तो ठीक है, वो तो 2 से 3 दिन में मैंने कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन गाइस ये जो पिंक शीप वाला चैलेंज है ना, ये आप लोग को ही पता होगा कि कितनी मुश्किल है, और जो भी माइनक्राफ्ट लवर्स है या कोई भी खेलता है ना उन सबको पता होगा कि भाई पिंक शीप के लिए कितना ग्राइंड करना पड़ता है भाई। कसम से भाई जो हवा निकली ना मैं बता नहीं सकता, और मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो उन कह रही थी कि इस माइनक्राफ्ट का वीडियो डालो। हाँ मैं गाइस इसी की तैयारी कर रहा था, इसी वीडियो को मैं बहुत समय से बना रहा था यार, इसलिए इतना टाइम लग गया माइनक्राफ्ट की वीडियो लाने में। बट गाइस यार टेंशन नॉट, अब से जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएगी माइनक्राफ्ट की भी। बाकी आप लोग फुल सपोर्ट दिखाना, बाकी जो भी भाई लोग न्यू हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं करना तो भाई प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि भाई लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। और प्लीज़ लाइक कर देना तो भाई वो मेहनत मेरी सफल हो जाएगी। बाकी तो गाइस यार चलो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि अब से हम लोग माइनक्राफ्ट की सारी सीरीज़ शुरू करने वाले, वन ब्लॉक और वो सब कुछ, मतलब माइनक्राफ्ट की सीरीज़ शुरू करने वाले, ठीक है। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी नए हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।